हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज की वीडियो में एक हेयर सीरम के बारे में बताने वाली हूँ। तो आपको लग रहा होगा हेयर सीरम है, बालों को शाइन प्रोवाइड करेगा, टैंगल फ्री करेगा, पर नहीं, ये सीरम आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने किसी ऐसे सीरम के बारे में सुना जो कि बालों को हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो यह है ओजीवा का फाइटो डिफेंस एंटी डैंड्रफ हेयर सीरम, जो कि प्लांट बेस्ड हेयर सीरम है, जो कि डैंड्रफ को दूर करने में हेल्प करता है, हेल्दी स्कैल्प प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करता है, बालों को नरिश करता है। मतलब आप कह सकते हो कि बालों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है, बालों को हेल्दी बनाता है। और बालों के साथ साथ अच्छी बात यह है, ये आपके स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएगा। सारे हेयर टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये हेयर टाइप वाले यूज़ नहीं करते हैं, वो नहीं कर सकते, सब हर कोई कर सकता है। इची स्कैल्प है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और तब ये बहुत अच्छे से आपके बालों से इचीनेस को दूर करेगा और डैंड्रफ को दूर करने का ये जो सीरम है ये काम करता है। ये जो सीरम है ये एक ही साइज़ में आता है, 50 ml का पैक है, 399 इसका प्राइस है। ऑनलाइन डिस्काउंट मिल ही जाएगा ओजीवा की साइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नायका से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि अगर आप इसको सही ढंग से 1 से 2 वीक तक यूज़ करते हो तो ये 50% तक आपकी डैंड्रफ को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, क्या होता है कि हम बहुत सारे DIY करते हैं, पर एक वॉश में तो डैंड्रफ चली जाती है, पर 1-2 दिन बाद वो फिर से आ जाती है। तो अगर आपकी इसको यूज़ करके 50% तक डैंड्रफ रिडक्शन होता है, फिर से नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसके आप रिव्यूज़ भी चेक करोगे ना तो इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इसके हर जगह। तो आप भी अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम से परेशान हो तो बिल्कुल एक बार इसको यूज़ करके आप देख सकते हो। तो यहाँ मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दे रही हूँ। कई बार प्लांट बेस्ड चीज़ें भी कुछ लोगों को एलर्जी होती हैं उनसे, तो आप देख सकते हो अगर इनमें से किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो तो इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, नहीं तो ये बड़े अच्छे अच्छे चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आप देख सकते हो इसमें रोजमेरी लीफ एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, जो कि प्रिवेंट करता है डैंड्रफ से और बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें वाटर क्रेस एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, जो कि सीड्स होते हैं और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करते हैं और बालों के लिए अच्छे होते हैं। इसमें सेज लीफ यूज़ की गई है, एक प्लांट है जिसमें फ्लेवोनोइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और पामेटो एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, तो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो उसको दूर करेगा। बायोटिन एक्सट्रैक्ट है, अगेन ये ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ब्राह्मी के बारे में सबने सुना होगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैवरंडी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, जो कि बालों को कलर प्रोवाइड करता है, मतलब डार्कन कलर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही आर्निका यूज़ किया गया है, जो कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस सीरम में यूज़ की गई हैं। इसके साथ ही ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, सिलिकॉन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डाई इसमें यूज़ नहीं किया गया है, क्लिनिकली टेस्टेड है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, जो इनका कुछ चीज़ों की जैसे रोजमेरी की जो फ्रेग्रेंस होती है, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है उसकी फ्रेग्रेंस है, पर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें यूज़ नहीं की गई है। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें डैंड्रफ फाइटिंग के लिए सेज एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, वाटर क्रेस एक्सट्रैक्ट जैसी चीज़ें यूज़ की गई हैं, और हेयर फॉल के लिए, हेल्दी स्कैल्प के लिए इसमें पामेटो मतलब DTH ब्लॉकर, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, बायोटिन एक्सट्रैक्ट जो कि बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं यूज़ कर सकते हो, कोई भी एज है आपका यूज़ कर सकते हैं, बस बेबीज इसको यूज़ ना करें और बाकी हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमने सीरम के बारे में ज़्यादातर क्या सुना है कि शैम्पू के बाद, हेयर वॉश करने के बाद यूज़ करना चाहिए सीरम को, पर ये जो सीरम है इसको आपको प्री शैम्पू यूज़ करना है, मतलब शैम्पू करने से पहले, हेयर वॉश करने के पहले आप इसको लगा लीजिए बालों में ड्रॉपर की हेल्प से और फिंगर टिप की हेल्प से अच्छे से मसाज कर लीजिए।
आप इसको ओवर नाइट लगा के रख सकते हैं या फिर 1-1.5 घंटे तक लगा के रखिए और अपना हेयर वॉश कर लीजिए। और जो भी हेयर वॉश रूटीन फॉलो करते हैं आप वो फॉलो कर सकते हो। इनका शैम्पू भी आता है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और ओवरनाइट लगा के रखते हो तब इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर ओवरनाइट नहीं लगाना लगा के रख सकते किसी रीज़न से, तो आप 1-2 घंटे ज़रूर लगा के रखो, फिर हेयर वॉश कर लो, कंडीशनर करो, जो भी रूटीन फॉलो करते हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसको यूज़ करना है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सेल्सन शैम्पू यूज़ कर चुके हैं और DIY करके देख चुके हैं, लेमन कर्ड सब कुछ लगा के देख लिया, पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है वो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करो। पर अगर माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ है जो कि आती जाती रहती है और सबको ही हो जाती है, मतलब थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अच्छे से हेयर केयर नहीं करोगे और मौसम के चेंज होने से भी हो जाती है, तब आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। और माइल्ड जो डैंड्रफ है उसको दूर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। डैंड्रफ है तो आपकी स्किन कभी अच्छी हो नहीं सकती, बाल हेल्दी नहीं हो सकते, तो ज़रूर आप एंटी डैंड्रफ चीज़ें ज़रूर ट्राई करो। सीरम सूट करता है वो ट्राई करो, ऑयल सूट करता है वो ट्राई करके देखो, शैम्पू वगैरह जो भी आपके डैंड्रफ को दूर करने में हेल्प करे वो ज़रूर ट्राई करके देखो। तो देखो, अगर वीडियो पसंद आया है, यूज़फुल लगा, तो जल्दी से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।